प्लान भाई चेंज हो गया, मनाली की जगह नारकंडा का, तो वो देखेंगे या तो अभी निकलेंगे या भाई गुड इवनिंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब भाई, आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। तो ये मेरा इस साल का पहला व्लॉग है 2023 का, और 2023 की फर्स्ट ट्रिप हमारी। ट्रिप पे कहाँ जा रहे हैं आगे व्लॉग में दिखा देंगे जो जो भी होगा। हमारे साथ जा रहा है सुजल और अक्षय और शुभम भाई और मैं, हम चार जा रहे हैं। तैयारी पूरी होगी, नहा दोगे, सब रेडी हो गए? सुजल खड़ा, तैयारी कंप्लीट होगी भाई, और अपनी पैकिंग वैकिंग होगी, गाड़ी में रखना है बस बैग वैग, फिर निकल जाएंगे। शाम हो रही है भाई, गाड़ी भी वॉश वॉश करा के सब फिट हो गया, मामला एकदम गजब लग रही है। और सर्दी काफ़ी हो रही है, और जहाँ जा रहे हैं वहाँ तो और ज़्यादा मिलेगी, माइनस में मिलेगा डिग्री सेल्सियस भी। सुजल आ गया अपना बैग वैग लेके, हो गया रेडी लंदन रख दे, दो बैग और हो जाएंगे जितने भी होंगे, वो तो पीछे डिग्गी में ही आ जाएंगे, बस सही आ रहा है। आ गया एक और बैग पैक हो गया। हेलो गाइस, चले होगी सारी पैकिंग कंप्लीट, ये वाला बैग निकाल कर ये तो यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली भाई हम घर से निकल चुके हैं, और सुजल ये बैठा, अक्षय पीछे बैठा है, अभी ड्राइव में ही कर रहा हूँ। रात को जहाँ तक भी जाया जाएगा, जितना भी हो सके जहाँ तक पहुँचेंगे, रात को फोग रहता है, गाड़ी ज़्यादा नहीं चलानी, जहाँ तक पहुँचेंगे रात को वहीं रुक जाएंगे। अम्बाला तक तो निकल ही जाएंगे, हम जा रहे हैं मनाली, और निकलने में रात ही होगी। देखो पैकिंग वैकिंग करने में सुबह से काम ही काम में लग रहे थे, तो भाई फोग तो अभी से स्टार्ट हो गया हो ना, आगे देखते हैं क्या होता है। अभी पहले मुजफ्फरनगर जाना है, वहाँ काम है थोड़ा सा, कुछ सामान उठाना है, फिर निकल जाएंगे, देखेंगे जैसी भी होगी अम्बाला रुकेंगे, नहीं तो फिर अगर फोग ना हुआ तो निकल जाएंगे मनाली के लिए डायरेक्ट। तो अभी चलते हैं मुजफ्फरनगर, वहाँ का काम ख़त्म करके फिर निकलेंगे। तो भाई मुजफ्फरनगर का जो काम था वो ख़त्म करके हम निकल चुके हैं अम्बाला के लिए, अभी वहाँ जाके देखेंगे जैसा भी आगे का प्रोग्राम होगा। और टोल पे लगी हुई है भीड़ बिल्कुल, ये देख लो कितनी लंबी लाइन है, सारी लाइन में पता नहीं फास्ट टैग चल रहा होगा या नहीं, गाड़ी चला रहा है एक से। इस पे नहीं चलता फास्ट टैग, मैं आराम से पीछे बैठा व्लॉग बनाते रहूंगा, है नहीं? सही है भाई, बनाओ बनाओ बनाओ। ये देख लो वाली लाइन चल रही है यार, वो लाइन चल रही है, ये नहीं चल रही। अब कोई अपनी वो राजनीति दिखाने के उसमें खड़ा बता रहा होगा ना, वहां आग में वो हूं, ऐसे नहीं दूसरे को लेट कर रहे हैं। जाम लगा हुआ है बहुत बढ़िया वाला हाईवे पे, यहाँ से रहता है 115 किलोमीटर अम्बाला, और आधे घंटा तो हो गया जाम में खड़े खड़े, देख लो कितना लंबा जाम लगा हुआ है, कोई इधर घुसारा कोई इधर घुसारा, एक लाइन में नहीं चलता कोई। तो भाई यहाँ डलवा रहे हैं डीजल, बिल्कुल सुनसान जगह पे है पेट्रोल पंप, कोई नहीं है यहाँ, और थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा अपना। गाड़ी देख लो क्या गजब लग रही है, यहीं से लगने लगी सर्दी अभी से ही। हाँ भैया फुल कर दो,
हाँ इधर लगा ले घुमा के, डीजल इधर नहीं है। और देख लो भाई आउटफिट अपना ये है, एक स्वेट शर्ट, अभी इतनी सर्दी नहीं हो रही क्योंकि अंदर हीटर चल रहा था, और ये देख लो हुडी हुडी नया लड़का। हट जा हट जा हट जा हट जा, मैं ड्राइव इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मुझे व्लॉग भी बनाना है और चलाते चलाते नहीं बना सकता, ये प्रॉब्लम है। फॉग अभी तो बहुत कम है, रात जैसा रात था। जब तक भर जाएगी तो बाइक टोटल डीजल आया अपना 44 लीटर 44 and 4000 का पूरा लपलक होगी। और जो हमारे ग्रुप के दो बंदे हैं वो हमें मिलेंगे अम्बाला से, वहीं जाके देखें क्या होता है, और तब तक एक दो बना लेते हैं इंस्टा की स्टोरी। तो फाइनली भाई हम पहुंच चुके हैं अम्बाला अपनी लोकेशन पर, और देख लो हालत, सर्दी की फोग इतना हो रहा है, गाड़ी चलानी भारी हो रही है भाई। मौसम कुछ ज्यादा ही बढ़िया हो रहा है, बहुत जबरदस्त। चलो भाई अंदर चलते हैं। तो भाई ये हो गया अपना यहाँ का रूम, और अभी प्लान में कुछ चेंज लग रहा है, मनाली की जगह या तो नारकंडा, अभी देखेंगे जहाँ भी जाया जाएगा वो आपको आगे बता देंगे, अभी जाया जाएगा तो ठीक, नहीं तो कल सुबह देखेंगे जैसे भी होगा। डू नॉट डिस्टर्ब डी एन डी हो रहा भाई, यहाँ ऑफिस भी है और घर भी है, वो रहा सामने ऑफिस। और प्लान भाई चेंज हो गया, मनाली की जगह नारकंडा का, तो वो देखेंगे या तो अभी निकलेंगे या फिर सुबह जैसा भी होगा, क्योंकि फॉग हो रहा है बहुत ज़्यादा, गाड़ी चल नहीं रही भाई, यहाँ तक आना बहुत वैसा हो गया, बहुत आराम आराम से गाड़ी लानी पड़ी यहाँ तक भी है भाई। ठंड बहुत है यार, ठंड तो बहुत है, फॉग देख कितना हो रहा, कुछ नहीं दिख रहा भाई आगे का, तो इस वजह से अपनी गाड़ी भी सेफ रहेगी और हम भी सेफ रहेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं कि ज़्यादा ही भाग भाग के जाना, वहाँ आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सोम चल रहा है ऐसी दीवानगी एलेक्सा में। अब भूख लग रही है, अब थोड़ी देर में खाना है खाना। तो भाई खाना अपना आ गया, आलू मटर और पूड़ी अक्षय का और मेरा, अभी वो अपना बाहर काम कर रहे हैं, और प्लान तो चेंज हो ही गया मनाली की जगह नारकंडा का, तो वो हम निकल जाएंगे सुबह क्योंकि फोग हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब फटाफट से खाना खाते हैं और फिर सो जाएंगे। बढ़िया लग रहे हैं, चलो भाई मैं भी खा लो। तो भाई ठंड इतनी ज़्यादा है सच में बाहर, और कहाँ से खुला है। तो भाई देख लो अम्बाला का फिलहाल का जो टेम्परेचर है, लगभग यहाँ भी 6-7 के आसपास हो रहा है, और फोग ही फोग। मैं तो गाड़ी में से थोड़ा सामान निकालने के लिए आया था, पावर बैंक वगैरह, और एक ब्लैंकेट भी निकालना है क्योंकि एक की शॉर्टेज है भाई। ये देखो अपना पूरा सामान पैक है बिल्कुल, कौन सा निकालना है।
कंबल तो यही है, सब्जी ले ले थोड़ी सी है। हो गया तो चलो भाई अब सो जाते हैं और कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में। जहाँ तक आज आया गया वहीं पे रुके क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड नाइट।